नमस्कार, अर्थ प्रकाश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कनिष्क। और जैसा कि हमें पता है कि इलेक्शन की जो डेट है वो पास आ रही है, और इस वक्त हम खड़े हैं रामगढ़ के एक ऐसे इलाके में जहां सरकार ने आकर वादे तो बहुत किए लेकिन पूरा एक भी नहीं किया। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ देखनी पड़ रही हैं। बुरे खान, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए? 35 साल हो गए। तो 35 सालों में पहले यहाँ पे सरकारें आई होंगी आपसे वोट मांगने? हाँ, गवर्नमेंट आती है, वोट लेने के लिए आता भी है, आके केक हुआ के चले जाते हैं। तो उन्होंने कुछ वादे भी किए होंगे आपसे? तो वादे भी किए हैं सब कुछ, भी वो वादे अभी हाल पूरे हुए भी नहीं है। तो कौन सी, अभी जैसे बारिश का भी टाइम है तो कुछ तकलीफें जो होंगी आपको उठानी पड़ रही होंगी बारिश की वजह से, तो उसका समाधान सरकार ने कुछ करा है आपके लिए कि नहीं? जी, अब बारिश के दिनों में तो हम बहुत ही दुख हो रहा है, हमें, हमारे बच्चों को भी दुख हो रहा है, हमें भी दुख हो रहा है, पर इसमें कोई सवाल का था बिहार गवर्नमेंट ने कुछ करी भी नहीं है। यहाँ पर सरकार आती है और हमारी कोई सूचना नहीं करती है, वोट लेने आते हैं खाली मांगते हैं और हमारी कोई सुनाई नहीं होती। यहाँ पर गरीब आदमी है, हम यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ से 35 साल हो गए लगभग, हमें यहाँ 35 साल इसी जंगल के अंदर सांप आ रहे, बिच्छू भी आ रहे और हमारे बच्चे भी खत्म हो गए यहाँ, तो भी पड़े हम यहाँ, और कहाँ जाए हम? इसकी कंप्लेंट वगैरह और आप है, मोदी सरकार भी आ गई वोट वोट मांगने, कांग्रेस भी आई है तो कुछ भी नहीं करा हल हमारा हल। कांग्रेस भी कुछ नहीं करा और मोदी सरकार ने भी कुछ नहीं करा। चुनाव आ रहे जो हमारी समस्या हल करेंगे हम उनके पीछे हैं, और जो हमारी समस्या हल नहीं कर रहे हम क्यों जाए उसके पीछे? हमारी यही है बस, हम एक गरीब आदमी, हमारी कोई बिठाओ जगह सरकारी जगह पे, हम भी ऐसे नहीं, हम जुगी झोंपड़ी लेके कब तक बैठे रहेंगे हम। मेरा नाम है जी जीवराज। तो यहाँ पे आपको रहते हुए अभी कितना टाइम हो गया? हमें रहते हुए 15 साल हो गए जी। और परेशानियां हैं यहाँ पे काफी जो आपको झेलनी पड़ रही होंगी? बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ रही जी, गरीब आदमी है ये, पड़े ना देखो आप, बिच्छू कांटे सांप वगैरह आते रहते हैं, और हर आदमी को हम वोट मांगने आते हैं उनको वोट भी देते हैं, और सब पक्के पक्के वादे करके जाते हैं, भाई तुम्हारा कुछ करेंगे, हेल्प करेंगे, तुम्हें कुछ देंगे। एक बारी बाढ़ आ गया जी, पूरा पानी, बच्चे बह गए पानी से, और ऊपर जाके हम छुपके बैठे, और इतने मजबूरी में हैं साहब जी, देख लो कीचड़ कादा, देख लो पूरी झुग्गियाँ टूट फूट गई, बारिश आई 4 दिन तक बारिश आ जाती थी, पानी भर जाता जी, और हमारी कोई हेल्प, यहाँ पर रह रहे, यहाँ भी किराया दे रहे, गरीब आदमी को कोई ऐसा करो तो हमारा कुछ मदद हो जाए। और सरकार आती है जैसे वो बोलते हैं हम वही काम करते हैं, भाई तुम्हें हमें ये पानी की टंकी लगाएंगे, फलाना लगाएंगे, डिमका लगाएंगे, कह के चले जाते, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होती, और वो कहते हैं भाई तुम हमारे को वोट दो, हमने वोट भी दिए, सबकी वोट आ दोगे, किसी के तो राशन कार्ड भी नहीं ना आधार कार्ड है, आ दोगे और सब मन जाते बनाते भी नहीं, और कुछ आते हैं गरीबों को वास्ते, वो बीच में कर्मचारी होते हैं वो ले लेते काम को। हमारी यही उम्मीद है, हमें कोई जगह दे दो, कई कमरे बना दो छोटे मोटे, और भाई बूढ़े बुजुर्ग है, देखो पागल बच्चे हैं सारे, देखो लो कुछ बच्चे, किसी की पेंशन भी नहीं बंदी हुई, बूढ़ों की पेंशन नहीं है ना हमारी कोई वैल्यू है। मेरा नाम मणि, घर वाला नहीं, 15 साल का खत्म हो गया, छोटे छोटे बच्चे 3 मेरे पे। परेशानियां क्या क्या उठानी पड़ती है? हमारी परेशानी सब कुछ है, हमारे पे नहीं थे, हमारे पे कोई जगह का बेलिस नहीं है, हमारे कोई खाने पीने का ढंग कुछ नहीं है, बहुत गरीबी हालत है, नहीं हमारे कुछ है इस घरों में, कुछ नहीं है हमारे पास, सब कुछ बना बना के आ रहे बंदे ले जा रहे, हमारे कोई ऐसी सुविधा नहीं दे रहे, गरीब बंदे, एंड पानी वगैरह कुछ नहीं हमारे पास, टेंशन टेंशन नहीं है। बाकी 15 साल का बच्चे को सांप काट दिया, वही बच्चा मर गया, हमारा खत्म हो गया। जो सरकारें यहाँ पे आई थी पहले उन्होंने क्या क्या वादे किए थे? वो वादा उन्होंने बोला पैसे देंगे, एक एक लेडीज के अपने डालेंगे, 72,000 डालेंगे, वोट दोगे तो हमने वोट भी डाल दिए, किसकी पेंसिल बंधाएंगे बुढ़ा बुढ़े की, कुछ राशन पानी दिलाएंगे, बाबूजी अपने राशन कार्ड से बनवाएंगे। वादे किए हैं पूरे? नहीं करे बाबूजी, नहीं करे। अब हम आपकी अभी मांग क्या है सर? हमारी मांग ये है, एक तो बिठो हमारे कुछ जगह पे, हम किराया भर भर के थक गए, किसकी बोर्ड लैस नहीं है तो उसकी बोर्ड लैस बनाओ, आधार कार्ड नहीं है तो उसका आधार कार्ड बनाओ, हमारी यही हेल्प है, यही पागल बन। अब कोई बिचार, मैं विधवा हूँ, कहाँ जा नहीं सकती, बतूल है मेरा नाम, कुछ नहीं हमारे पास में लाला जी, हम तो मैं भी बूढ़ी हूँ, बूढ़ा भी मेरा घर वाला है, लड़के मेरे 2 छोटे छोटे हैं, कुछ नहीं हमारे पास, ना तो हमारे पास राशन है, ना हमारे पास जुगिया है, पानी में पड़े हैं डूबे हुए, और मैं ये मैं बदवा, मेरी लड़की है मेरे पास,
ना इसके बच्चे, हमारे छोटे बच्चे, ना हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ पर मेरे पास सारे आते हैं, हमारी कोई हेल्प करके नहीं जा रहे। मोदी ने भी आए तो हमारी हेल्प नहीं करी। हमारे सास हमारे राशन कार्ड ले गए, हमारे कुछ भी ले गए, हमारा सारा करके कोई हमारे लिए हेल्प करके नहीं गए। अब हमारी है, हमारी पेमेंट बना दो, पैरों से मोहताज है। मेरा बूढ़ा भी मोहताज है, मैं भी मोहताज हूँ। जगह जमीन नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे लिए तुम अब कुछ भी कुछ हमारी हेल्प करो ना। हमारा जो हमारी सरकार जो हमारी पेमेंट से बना दो। हम तो हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं पर क्या करें, रास्ता खराब है। आगे बच्चे के नीचे पैर के नीचे सांप आ गया, डर बढ़ गया। इधर से जंगल वगैरह जैसे बाहर बैठने जाते उससे भी दुखी होते हैं हम। कुछ भी भजन होता तो वहाँ से उठा के सिर पे चक्के लाते हैं हम। ना रास्ता सांप, ना हमारे घर में वो जेठ की लड़कियाँ, तीन तीन लड़कियाँ जेठ की पागल है। ना इनकी कोई पेंशन है, ना आवाते लड़कियाँ कहीं कहीं निकल जाती है, अब डर रहता हमारे को। तो ये थी कुछ कठिनाइयां और कुछ वादे जो सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं किए। तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आने वाली जो सरकार है वो इनके वादे पूरे करेगी। कैमरामैन मंदीप गौतम के साथ मैं कनिष्क, अर्थप्रकाश न्यूज। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।